हमारे पास साइन ए और कॉस ए के मानों की सीमा को बताया, मानों की सीमा को बताया, मतलब कि लिमिट्स ऑफ वैल्यूज ऑफ साइन ए एंड कॉस ए, साइन ए और कॉस ए के वैल्यू को सीमा को बताना है। ध्यान देते हैं थोड़ा सा, सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग क्या करते हैं इसमें। माना कि अगर थोड़ा सा मान ले, माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी समकोण है, समकोण है एवं कोण ए न्यून कोण है, और चर्चा हम लोगों को न्यून कोणे पर करना है ना। तो मान लेते हैं यह एक त्रिभुज है ए बी सी, ए बी सी और सी में ये बी समकोण है और कोण ए की बात करें तो ये न्यून कोण है। इस पर ये दोनों तो न्यून कोण ही होंगे, बट हम लोग को चर्चा इस पर करनी है। अर्थात परिभाषा से क्या है, साइन ए बराबर क्या होता है, तो लंब बटा क्या होता है भाई, कर्ण होता है। और हमें पता है लंब कभी भी कर्ण से बड़ा हो ही नहीं सकता, अर्थात हम लोग लिख सकते हैं इसको BC बट्टा AC। तो यहाँ पर BC बट्टा AC हो जाए तो BC क्या होगा, हमेशा AC से छोटा ही होगा, हमेशा AC से छोटा ही होगा। जब BC, चूंकि BC AC से छोटा है, तो जब BC बट्टा AC के एक से बड़ा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर हम चार में पांच से भाग दें, चाहे चार में 4.1 से भी भाग दे, तो क्या यह एक से ज्यादा आएगा? नहीं सर, कभी नहीं आएगा, क्योंकि जैसे ही हम छोटा में बड़ा से भाग देते तो एक से वो छोटा ही आता है। BC AC से छोटा है तो क्या हो जाएगा यहाँ, इसलिए BC बट्टा AC भी क्या होगा, तो एक से हमेशा छोटा ही होगा। अर्थात साइन का वैल्यू, साइन का मान हमेशा एक से छोटा ही होगा, एक से छोटा होगा। अर्थात साइन का वैल्यू कभी भी एक से बड़ा नहीं हो सकता है, बशक एक के बराबर हो जाए, है ना। चलिए दूसरी हम लोग बात करें, इसी में फिर से बात करते हैं। इसके लिए पुनः त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में परिभाषा से कॉस सी, कॉस सी बराबर क्या हो जाएगा, तो लंब बटा आधार, नहीं कॉस ए ही रहने दो भाई, कॉस ए ही रहने दो, तो लंब बटा लंब बटा कर्ण होता है ना, कॉस ए इज इक्वल टू लंब बटा कर्ण। तो ए क्या हो जाएगा, तो इसके संलग्न भुजाएं आधार होते हैं, और कॉस ए में होता है आधार बटा कर्ण। अरे यार क्या दिमाग से चल रहा है, आधार बटा कर्ण कॉस के लिए, तो आधार क्या हो जाएगा, संलग्न भुजाएं ए बी, ए बी, ठीक है। तो जो ए बी है, ध्यान दीजिएगा, जो ए बी है और ए बी बट्टा एक कर्ण तो वही रहेगा ए सी। और यहां बात करें हम लोग, चूंकि यहां लिख सकते हैं ना, चूंकि ए बी क्या होगा, ए सी से छोटा होगा, छोटा है, होगा क्या है, क्योंकि कर्ण है तो ये तो छोटा ही होगा, ए बी ए सी से ए बी तो छोटा होगा, क्योंकि दोनों का स्क्वायर करके वर्क करेंगे तो इसके स्क्वायर वर्क के बराबर होंगे नहीं, तो ए बी ए सी छोटा है, अतः ए बी बट्टा ए सी भी क्या होंगे, तो एक से छोटा ही होंगे। अर्थात कॉस ए का मान भी हमेशा क्या होगा, हमेशा एक से छोटा होगा, एक से छोटा या बराबर होगा, है ना। तो हमेशा याद रखिएगा, एक से छोटा या छोटा, एक के बराबर लगभग एक से छोटा ही होता है, कॉस ए और साइन ए का वैल्यू हमेशा एक से छोटा होता है, ये इसका अपना मान है।